नमस्कार, स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में हम लेकर के आते हैं सीबीटी एग्जाम्स, आईटीआई सीबीटी एग्जाम्स की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है, ये सीबीटी एग्जाम के पर्पज़ से है, जो कि हमने नीमी की ऑफिशियल वेबसाइट तथा भारत स्किल से हमने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो। और साथ ही साथ अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से हो सकता है कि हमारा ये वीडियो उस व्यक्ति तक पहुँच जाए जिसे इसकी ज़रूरत हो। तो आपको पता ही है, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी के 25-25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ जो हम चला रहे हैं, इसके 5 पार्ट्स हम ऑलरेडी ला चुके हैं और आज जो आपके सामने है ये वीडियो का 6वां पार्ट है। इसमें हम 125 क्वेश्चन जो अब तक डिस्कस कर चुके हैं, उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आप हमारे वीडियो के माध्यम से और किस तरह की जानकारी लेना चाहते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, आज के वीडियो में आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी होगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप देंगे और उसका सही जवाब हम अगले वीडियो के जो वीडियो का जो अगला पार्ट होगा यानी पार्ट 7, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं बेसिक कॉस्मेटोलॉजी 25-25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ का पार्ट 6। आज का पहला प्रश्न है, व्हाट इज यूज टू मेक द नेल शेप, नाखून की शेप बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए नेल कटर, बी नेल पॉलिश, सी नेल फाइलर, डी नेल रिमूवर। इसका सही जवाब है सी नेल फाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिडिल लेयर ऑफ द हेयर शाफ्ट, हेयर शाफ्ट की मध्यम परत को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है ए मेडुला, बी कॉर्टेक्स, सी क्यूटिकल, सी डी केराटिन। आपका सही जवाब है बी कॉर्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेज ऑफ द डेवलपमेंट साइकिल इज नोन एज द ट्रांजिशनल फेज। बाल विकास चक्र का कौन सा फेज ट्रांजिशनल फेज के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है ए एनाजेन, बी केटाजेन, सी टेलोजेन, डी एक्सोजेन। आपका सही जवाब है बी केटोजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेयर अबव द सरफेस ऑफ द हेड दैट इज विजिबल इज कॉल्ड। सर की सतह के ऊपर जो बाल दिखाई देते हैं कहे जाते हैं। आपके ऑप्शन है ए हेयर कट, बी हेयर शाफ्ट, सी हेयर ब्लफ, डी हेयर फॉलिकल। सही जवाब है बी हेयर शाफ्ट। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द केमिकल कंपोनेंट ऑफ हेयर। बालों के रासायनिक घटक में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है। आपके ऑप्शन है ए 0.06 6%, बी 0.17 17%, सी 0.21 21%, डी 0.51 51%। आपका सही जवाब है डी 0.51 51%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर इरेक्टर पिली मसल्स फाउंड। इरेक्टर पिली मसल्स कहाँ पाई जाती है। आपके ऑप्शन है ए हेयर शाफ्ट, बी हेयर पपिल्ला, सी हेयर रूट, डी हेयर बल्ब। इसका सही जवाब है सी हेयर रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वाइट सब्सटेंस फाउंड द रूट ऑफ हेयर। बालों की जड़ में पाए जाने वाले सफ़ेद पदार्थ को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है ए हेयर शाफ्ट, बाल का बल्ब, बी हेयर फॉलिकल, सी सीबम, डी हेयर पेपिल्ला। आपका सही जवाब है ए हेयर शाफ्ट, बाल का बल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ हेयर। बाल कितने प्रकार के होते हैं। आपके ऑप्शन है ए 3, 3, बी 4, 4, सी 5, 5, डी 6, 6। आपका सही जवाब है बी 4, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ हेयर क्विकली ऑयली। किस प्रकार के बाल जल्दी ऑयली होते हैं। आपके ऑप्शन है ए स्ट्रेट हेयर सीधे बाल, बी वेवी हेयर घुमावदार बाल, सी कर्ली हेयर घुंघराले बाल, डी कॉस हेयर रूखे बाल। आपके ऑप्शन आपका सही जवाब है ए स्ट्रेट हेयर सीधे बाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज इन ए हेल्दी हेयर।
स्वस्थ बाल में कितने प्रतिशत लचीलापन होता है? आपके ऑप्शन है ए 0.3 30%, बी 0.4 40%, सी 0.5 50%, डी 0.6 60%। इसका सही जवाब है सी 0.5 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन यू टेक स्टीम आफ्टर ए हेड मसाज? हेड मसाज के बाद भाप लेने से क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए डैंड्रफ गोज अवे, डैंड्रफ दूर होती है, बी हेयर बिकम्स ऑयली, बाल तेलीय हो जाते हैं, सी स्कैल्प फटिकल्स ओपन, स्कैल्प के रोम छिद्र खुल जाते हैं, डी रिलीव्स मेंटल फटीक, मानसिक थकान दूर होती है। आपका सही जवाब है सी स्कैल्प फॉलिकल ओपन, स्कैल्प के रोम छिद्र खुल जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज पैट्रिसेज? पैट्रिसेज क्या है? आपके ऑप्शन है ए हेयर कटिंग मेथड, बाल काटने की विधि, बी मसाज मूवमेंट, मसाज की क्रिया, सी वाइब्रेशन कंपन, डी फ्रिक्शन मूवमेंट। आपका सही जवाब है बी मसाज मूवमेंट, मसाज की क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ए बेनिफिट ऑफ हेड मसाज? हेड मसाज का कौन सा लाभ है? आपके ऑप्शन है ए इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण में सुधार, बी रिलीज फिजिकल फटीग, रक्त परिसंचरण में सुधार, सी बॉडी स्किन ब्राइटनेस, शारीरिक त्वचा में चमक, डी रिलीज ज्वाइंट पेन, जोड़ों के दर्द में आराम। इसका सही जवाब है ए इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेक्निकल नेम ऑफ द नीडिंग मूवमेंट? नीडिंग की क्रिया का तकनीकी नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए पैट्रिसेज, बी फ्रिक्शन, सी इफ्यूलरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेक्निकल नेम ऑफ नीडिंग मूवमेंट? नीडिंग की क्रिया का तकनीकी नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए पैट्रिसेज, बी फ्रिक्शन, सी इफ्यूलरेज, डी टैपोटमेंट। इसका सही जवाब है ए पैट्रिसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द हैंड आर इन द मसाज? मसाज में हाथ के किस भाग का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए फिंगर्स उंगलियां, बी फिंगर टिप उंगलियों के टिप, सी थंब अंगूठा, डी साइड ऑफ आर्म्स हथेली का किनारा। इसका सही जवाब है बी फिंगर टिप उंगलियों के टिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल वी परफॉर्म द वाइब्रेशन एक्शन इन द हेड मसाज? हेड मसाज में वाइब्रेशन की क्रिया कब करेंगे? आपके ऑप्शन है ए बिफोर हेड मसाज, हेड मसाज से पहले, बी आफ्टर हेड मसाज, हेड मसाज के बाद, सी मिडिल ऑफ हेड मसाज के बीच में, डी इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इसकी आवश्यकता नहीं है। इसका सही जवाब है बी आफ्टर हेड मसाज के बाद। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज शैम्पू? शैम्पू क्या है? आपके ऑप्शन है ए हेयर केयर प्रोडक्ट, हेयर केयर उत्पाद, बी स्किन केयर प्रोडक्ट, स्किन केयर उत्पाद, सी मेकअप प्रोडक्ट, मेकअप उत्पाद, डी नेल केयर प्रोडक्ट, नेल केयर उत्पाद। आपका सही जवाब है ए हेयर केयर प्रोडक्ट। आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कंडीशनर? कंडीशनर क्या है? आपके ऑप्शन है ए मेकअप प्रोडक्ट, मेकअप उत्पाद, बी स्किन केयर प्रोडक्ट, स्किन केयर उत्पाद, सी हेयर केयर, डी नेल केयर प्रोडक्ट, नेल केयर उत्पाद। इसका सही जवाब है सी हेयर केयर प्रोडक्ट, हेयर केयर उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी शैम्पूइंग? हम शैम्पू क्यों करते हैं? आपके ऑप्शन है ए रिमूव कंडीशनर, कंडीशनर निकालने के लिए, बी रिमूव डर्ट एंड डस्ट, धूल और गंदगी हटाने के लिए, सी टू इंक्रीज द ड्राइनेस ऑफ द स्कैल्प, खोपड़ी की ड्राइनेस बढ़ाने के लिए, डी टू मेक ए प्रोटेक्टिव शील्ड ऑन द हेयर, बालों पर एक सुरक्षा कवच बनाने के लिए। इसका सही जवाब है बी रिमूव डर्ट एंड डस्ट, धूल और गंदगी हटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी कंडीशनिंग? हम कंडीशनिंग क्यों करते हैं? आपके ऑप्शन है ए रिड्यूस इरिटेशन, जलन कम करता है,
बी रिड्यूस हेयर लॉस, बालों का झड़ना कम करता है। सी बिल्ड्स हेयर शील्ड, बालों पर सुरक्षा कवच बनाता है। डी रिमूव डर्ट एंड डस्ट, धूल और गंदगी हटाता है। आपका सही जवाब है सी बिल्ड हेयर शील्ड, बालों पर सुरक्षा कवच बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टू टेक केयर ऑफ व्हाइल शैम्पूइंग, शैम्पू खरीदते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए। आपके ऑप्शन है ए एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन, बी क्वालिटी गुणवत्ता, सी प्राइस मूल्य, डी क्वांटिटी मात्रा। इसका सही जवाब है बी क्वालिटी गुणवत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू ब्लो ड्राइंग, ब्लो ड्राइंग क्यों करते हैं। आपके ऑप्शन है ए टू ड्राई हेयर, बालों को सुखाने के लिए, बी टू कर्ली हेयर, बालों को घुंघराला करने के लिए, सी टू शॉर्टन द हेयर, बालों को छोटा करने के लिए, डी टू रिमूव हेयर डैंड्रफ, बालों की डैंड्रफ को दूर करने के लिए। आपका सही जवाब है ए टू ड्राई हेयर, बालों को सुखाने के लिए। आपका अगला प्रश्न है व्हेन ब्लो ड्राइंग इज डन, ब्लो ड्राइंग कब की जाती है। आपके ऑप्शन है ए आफ्टर शैम्पिंग, शैम्पू करने के बाद, बी आफ्टर शैम्पिंग, बिफोर शैम्पिंग, शैम्पू करने से पहले, सी आफ्टर अप्लाइंग ऑयल, ऑयल लगाने के बाद, डी आफ्टर मेकिंग द हेयर स्टाइल, हेयर स्टाइल बनाने के बाद। आपका सही जवाब है ए आफ्टर शैम्पिंग, शैम्पू करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टू टूल्स आर यूज इन ब्लो ड्राइंग, ब्लो ड्राइंग में कौन से दो टूल्स का प्रयोग होता है। आपके ऑप्शन है ए हेयर ड्रायर एंड राउंड ब्रश, बी हेयर कलर एंड राउंड ब्रश, सी क्रिम्पर एंड हेयर ब्रश, डी हेयर स्ट्रेटनर एंड हेयर ब्रश। का सही जवाब है ए हेयर ड्रायर एंड राउंड ब्रश। आज के वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। हाउ टू यूज हेयर क्लिपर, हेयर क्लिपर कैसे प्रयोग करना चाहिए। आपके ऑप्शन है ए ऑन वेट हेयर गीले बालों पर, बी हेयर डायरेक्शन बालों की दिशा में, सी हेयर इन द अपोजिट डायरेक्शन बालों की विपरीत दिशा में, डी विद हाई प्रेशर तेज दबाव के साथ। इस प्रश्न का उत्तर आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे, तब तक इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।